ये कॉम्बिनेशन देखो इसका, ये ड्रेस के साथ शूज डाल के आई है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम लोग निकल रहे हैं ना, गाड़ी का थोड़ा काम बचा है, इसको मीटर डालना है और टेपिंग करना है। ये मैं क्या बोला आप सोच रहे हो ना, बताता हूँ, रुक जाओ। तो इसको टेपिंग इसलिए करना है, हमने जो गाड़ी लिया है ये टैक्सी लिया है, टैक्सी करके येलो नंबर प्लेट आपको दिख रहा है। यहाँ पे ना एक ही टेंशन है, यहाँ पे हमारा जो ये आम का पेड़ और इसका रस वगैरह से निकलता है, ये एक टेंशन, इसको कवर लेके आना पड़ेगा। गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा डस्ट बैठ गया, ये दो तीन दिन में ही ऐसा हालत हो गया है। हम लोग पहले इधर आके बाइक के साथ बात करते थे, अभी गाड़ी के साथ बात करेंगे। चलो अंदर बैठते आराम से बात करते, अभी हमको चलाते दौरान भी हम ब्लॉक कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, तो टेंशन नहीं है, गाड़ी निकलते। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं, टेपिंग करेंगे, गाड़ी का टेपिंग होगा और मीटर बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लेस में। और ये गाड़ी में स्पीड गवर्नर इंस्टॉल्ड है, आगे बताऊंगा ये गाड़ी टैक्सी की है, कौन चलाएगा, कैसे है ना, ये आगे मेरे ख्याल से और एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएंगे। अभी हमारे स्टाफ भी ज्वाइन हो गए, उसका भी एक वीडियो बनाता हूँ बाद में। मीटर हम लोग ये गाड़ी हमारा टैक्सी है, तो इसको मीटर इंस्टॉल करना है, टेपिंग कर चुपटर हमका टेपिंग जो है इसका, जो नंबर प्लेट नंबर्स हो गए ये साइड में आएगा, येलो नंबर वगैरह कोई जो ऑल इंडिया परमिट, ये सारा टेपिंग करना है, वो करना है। और इसके बाद इसका एक स्पीड पासिंग है, वो भी करना है, क्योंकि टैक्सी हम लोगों ने लिया है, तो टैक्सी हमारा दोनों काम हो जाएगा, घर की यूज़ का हो जाएगा और हमारा जो ऑफिस यूज, जो क्लाइंट्स है मेरे, उनका भी पिकअप ड्रॉप साइड सीन के लिए भी हो जाएगा। साइड सीन के लिए वो जीजू चलाएगा, उसको बोला है, वो क्लाइंट को जो है जीजू हैंडल करेगा, और मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं ऐसे हमारा छोटा मोटा घर का काम रहेगा, तो हम लोग गाड़ी से जा सकते हैं। सो जीजू का बैच हो गया, मेरा भी बैच के लिए अप्लाई किया, हो जाएगा, अभी जल्दी प्रोसेस में है, इसलिए मैं आपको बताया था लास्ट टाइम, अपने अगर वीडियो में नोटिस किया रहेगा तो मैं बोला था हमारा बैच आ गया रहेगा, हाँ कुछ बोला था, गुड न्यूज़ के दिन ही बोला था मैं, बैच आया है होगा करके, तो ये बैच के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये है आज का काम, बहुत है एक्चुअली, आज हमारा काम जो है हम लोग निकल रहे मॉर्निंग हाफ यहाँ पे ट्रैफिक बहुत रहता है। ये है हमारा मेन हाईवे और सामने अपना मॉल देखो, कोकेरा जंक्शन आएगा, यहाँ पे सुबह और शाम बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। तो आज हमारा काम है वो दोनों करेंगे, जो गाड़ी का काम है, और शाम को ना शॉपिंग करना है। शॉपिंग सांग सकता का कौन से तो इसका कजन का शादी है ये महीने में, उसका शॉपिंग करना है, कुर्ता वुर्ता लेना, मुझे तो उन ये पीछे पड़ी है क्योंकि नजदीकी कजन है, ताई का लड़के के साथ, का लड़के का शादी है, तो स्पेशल है, तो उसके लिए हमें कुर्ता, मुझे कुर्ता लेना है, जीजू को चाहिए, और इसको भी कुछ ड्रेस वगैरह देखेंगे। साड़ी तो ऑलरेडी इन्होंने सिलेक्ट कर लिया, साड़ी सिलेक्ट करके सिलाने कर भी दे दिया इन्होंने, और एक वीडियो बनाऊंगा। हम लोगों ने जो स्टाफ रिक्वायरमेंट डाला था ना वीडियो में, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी लोग आए इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू करने के बाद हम लोगों ने दो स्टाफ ले लिया है, काम अभी चल रहा है, हम लोग अभी जा रहे हैं, पर ऑफिस हमारा ओपन है, ऑफिस में स्टाफ काम करे, एक दिन आपको स्टाफ को मिलवाता हूँ, हमारे स्टाफ ऑफिस अभी कैसे चल रहे हैं वो सारे एक दिन वीडियो बनाऊँगा। अभी हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं पता है, बताओ, स्टेप टू ट्रैवल के टीम में अभी के टाइम में 6 मेंबर है, कौन कौन है ना उसके दूसरे वीडियो बनेगा, आपको दिखाता हूँ, डिटेल में दिखाऊंगा, है ना, अभी नहीं, आज तो हम बिजी है। तो फिलहाल हम पहुंचे हैं ये सर्कल, ये है होली फैमिली चर्च, होली फैमिली चर्च, या साइड है अनि, या साइड ही उल्लो जुडियो फाटल्यान उल्लो जुडियो, आणि हंगा होली फॅमिली चर्च हंगा दिसतो मातशे, आणि खूपशे कमेंट आला मका, हा नोटीस करता, तुम्ही कमेंट करता, अभी तुम लोग ज्यादा कोंकणी में बात कर रहे हो, क्या है गोवन ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग मिक्स करते हैं कंटेंट, मैं ज़्यादातर हिंदी में करता हूँ, सरिता कोंकणी करती है, तो हमें जो अच्छा लगता है, जो मन में आता है वो लोग वो करते हैं, आप लोग एंजॉय करते हो, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लोग बैलेंस करने के लिए ट्राई करते हैं, ताकि सरिता के जो ऑडियंस है ज़्यादा करके ये यहाँ के लोकल से, उसके जो लेडीज ऑडियंस है लोकल से, मेरा जो ऑडियंस है स्टेप टू ट्रैवल के थ्रू मुझे जानते हैं, तो मेरा जो ऑडियंस है टूरिस्ट है, तो इसलिए हमें कंटेंट को न्यूट्रल रखना पड़ता है, ये बैलेंस करना पड़ता है। और थोड़ा लोग कमेंट करते हैं तुम्हें हिंदी तुलया, मैं सॉरी तुम्हें कोंकणी तुलया, नहीं तो थोड़े लोग बोलते तुम लोग हिंदी में ही करो। सो
दोनों लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा मिक्स फ्लेवर डालेंगे, मजा आएगा, एंजॉय करो यार। हमें उलोन पावले आता आमचे फेमस सर्कल कोकेरो सर्कल ए बे कोकेरो ओ कोकेरो आंगासो राइट मारले की तो आमचे ऑफिस येतो राइटर असपाचे पण आंगासन वन ये ना नो एंट्री त्या साइडिसून येतो त्यांना तुम्ही राइट मारा 500 मीटर चौगम रोड आमचे ऑफिस हा मग गुगल लोकेशन मी आम्ही घालतो आता कमर्शियल यू कैन विजिट आवर ऑफिस एनी टाइम एक रिक्वेस्ट एक ही रिक्वेस्ट आपको रहेगा अगर कोई व्यूअर आना चाहते हैं ऑफिस में तो एटलीस्ट इन्फॉर्म करके आइएगा नंबर हमारा इसमें रहेगा तो इन्फॉर्म करके आएंगे तो हम लोग रहते नहीं तो ऑफिस ओपन रहेगा हम लोग नहीं मिलेंगे और स्टाफ से मिलके जाना पड़ेगा लास्ट टाइम एक मैडम आई थी उनको मिलना था पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग वहाँ पे नहीं थे तो ये है प्रॉब्लम तो आप आने से पहले एक बार स्टाफ को इन्फॉर्म कर दो कि हम आएंगे तो मिल लेंगे कोई टेंशन नहीं अभी फिलहाल हम लोग पहुंच गया रे देवा गाड़ी को पा हमारे बुक हां गाड़ी आ रे रे के पैदा आस्ता वे हां पैदा नेक्स्ट मारी तुका लावचे बोतल मीटर चलो मैडम मीटर का पैसा दे दो फाइनली मीटर इंस्टॉलेशन डन मीटर हो गया अभी हम इसको ना टेपिंग कराएंगे जो इसका येलो टेपिंग वगैरह आएगा ऑल इंडिया परमिट टेपिंग ये सारे करेंगे गाड़ी में फिलहाल ऐसा लुक आएगा ये डब्बे के साथ इससे अभी मीटर का पैसा लेंगे मैडम पैसा दे दो मीटर का दी 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 गाड़ी में पहला मीटर का पैसा 105 रुपये हुआ आपका भाड़ा दे दो हाँ फाटल्यान बटन आसा ऑन ऑफ करपाक ओके ऑन केलो की फॉर आयरेतले 3 किलोमीटर हांगा रिडींग जाले ट्रीप एंड करपाचे प्रिंट काडपाची आनी परत ट्रीप एंड ओके इतलेच करपाचे पासिंग करता तेन्ना ओके बरं पासिंग सो ये हमारा मीटर इंस्टॉलेशन हो गया भाई ने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया थैंक यू चलो हाँ पेपर घेता पेपर कलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे मीटर का काम हो गया ये देखो भाई भी बोल रहा था ब्लॉक करो और डालो करके वीडियो तो डाल देंगे इसको ठीक है मीटर इंस्टॉलेशन हो गया इसको अभी पासिंग के लिए लेके जाना पड़ेगा मीटर पासिंग करना पड़ेगा इसको परत कॉल कौन आ चाहता ना चलो स्टाफ का कॉल है मैं रिसीव करता हूँ पेपर लेके आता हूँ सरिता को यहाँ पे बैठने दे तू बस हाँ सो आम्ही जस्ट घरा पावला आणि मीटर बिन लॉन झालो आणि एक काम करून आम्ही गाडी दवला सो ते सगळे टेपिंग म्हणतात ते सगळे ऑल इंडिया परमिट बिमिट के स्टिकर लावपाचे त्यांनी रे टेपिंग आणि कटिंग हा करता फ्लावर कटिंग एक्चुअली क्या बता रहे यहाँ पे ना गए थे हम लोग टेपिंग करने के लिए टैक्सी को टेपिंग होता है ना वो येलो नंबर प्लेट मोबाइल नंबर ऑल इंडिया परमिट रहता है और नंबर वगैरह डालना पड़ता है उसको हमने इधर हमारे घर के साइड में एक करता है उसको दिया तो करता रहो आनी एक बुक ला ली इसको मैं बोला एक काम कर लागी हर उन्होंने तेरा साला हमका ड्रॉप कर तू गाड़ी रेडी कर बाय 3 o'clock तो देता रहो दीदी करना है इतने तर ते डायरेक्ट पेंजी में तले सोने दीदी बिन सो क्या नमाड़ा तो इतने शॉपिंग आ तीव्र होकर चाहते हैं चिकित्सा और जैसे शॉपिंग वाला आम चाहो ला अन्य हमें ये करो नहीं कहता गाड़ी लेमिनेट केला सकल फ्लोरिंग फ्लोर लेमिनेट केला किधर नारा डस्ट टूरिस्ट पे रहेगा गाड़ी पूरा टूरिस्ट रहेंगे तो बीच साइड जाएंगे धूल आएगा मिट्टी रेत आएगा तो इसलिए हम लोग लेमिनेशन करके ले रहे और उसके बाद कारपेट भी बोल रही थी सरिता देखेंगे ये डालना तो डाल लेंगे लेमिनेट करने की पण त्याला काढून मागीर हे जाय पडतलं की ब्लोअर जाय पडतलं नो व्हॅक्युम क्लीनर जाय पडतलं तर व्हॅक्युम क्लीनर घेऊ शकता नो ऐसा है अभी आए हम लोग कोड़ी बनाया था किती कसले कोड़ी बिडी केला हावे गालम्याची और साइज पूरा म्हणजे हंगा आहे ना हे करून लेला कटिंग मशीन केबेज नव्हतं कॉलीफ्लॉवर तर मी काय बोललो हां कॉलीफ्लॉवर कॉलीफ्लॉवर रोज फ्लावर कोली फ्लावर इसका ना रवा फ्राई होता है किसी ने अगर ट्राई किया आप लोग तो किए रहेंगे सरिता अच्छा करती है आज बनेगा इसका रवा फ्राई बारे बारे कट करता हूँ आज आमगेर केला सरिता सका केले गालमो का कोड़ी श्रिंप कड़ी गालमो बिन कहते ना नो पता हाँ हाँ सुखी सुंगटा सुखी सुंगटा ना ड्राई प्राउन्स का बड़ा छोटा 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 प्राउन्स होता है उसको गालमो बोलते हैं ड्राई प्राउन्स का कड़ी और उसने डाला है मैंगो रो मैंगो डाला है दिखा मेरे तक कड़ी दिखा मेरे तुझे कैसे डाला है कड़ी आज तो मैंगो रहे भाई मैंगो बिन गालो टमाट मँगो सगळे घातला मिक्स सो आम्ही ना गाडी बिन सगळे मीटर लावून येले टेपिंग ऑलरेडी दिला तर दिले ते अजून जाऊ ना कॉल केला मी जोन बिन आम्ही जस्ट बसलेले फ्रेंड्स आपलं काम करतात मी व्हिडिओ पहिला असतो ऑनलाईन ऑलरेडी गेला आमचं
म्हणजे आम्ही न्यू कार बी घेतलेली, कोणा पोहरा ते पोहू शकता, न्यू कार व न्यू कार फर्स्ट कार आजच आहे केला, आता जस्ट अपलोड केला, ऑनलाईन केला, टाइम आज एक्चुअली लेट खूप लेट हम लोग ना अभी हमारा ब्लॉग का टाइम चेंज कर दिए है, ये 3 बजे की, दोपहर को 3 बजे की है काफी सारे, क्योंकि हम इन दिनों हमारा क्या हुआ, शॉप के काम है, ब्लॉग के टाइम सारे मिक्सअप हुआ था, इसलिए हम लोगों ने सोचा 12 बजे से लेकर उसको 3 बजे पे लाएंगे, और 3 बजे रहेगा तो हमको थोड़ा टाइम मिलेगा प्रॉपर तरीके से सारे मैनेजमेंट करने को, इसलिए 3 बजे हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, तो 3 बजे का टाइम नोट कर लो। यहाँ तो वीडियो लेट करा आज लेट करा कि वो वीडियो एडिटिंग खूब ये हाल है, चलो वीडियो सॉलिड एडिट किया, वीडियो शूटिंग और एडिटिंग क्रेडिट गोज टू शंकर, उसने वीडियो फुटेज भी अच्छा निकाला है और एडिटिंग बरं केलं, सो वो घातला तुम्ही ऑलरेडी पहिला असतले, सो आता हे सगळे आमचे काम झाले, हा जे झाले मला सगळे सगळे झाले, आता आम्ही परत आता वैतली शॉपिंग, आम्ही शॉपिंग बिन उरला अरे सांग झाले मरे शॉपिंग एक्चुअली इसका क्या हुआ है ना पता है, अभी इसके पास जो कपड़ा है पहले का जो कपड़ा डालती थी ये वगैरह अभी नहीं हुआ, टी शर्ट वगैरह डाला है ना पेट दी, टी शर्ट ही जाएगा बाकी जो थोड़ा कपड़ा थोड़ा अल्लाह हानि का अभी हमारा देखो अच्छा करके देखो अभी हमारा पुट उतना बड़ा हो रहा है ना, तो टी शर्ट वगैरह और दिख रहा है, तो आज मगा एक्जेक्टली नो एक्चुअली 122 डेज झाला एक्जेक्टली नो, त्या ते मशल स्टमक मशल वाढले झाला नाही बढेगा ही अभी, तो सग बाकीचे म्हणजे जे कपडे नॉर्मल घालताले पाहिजे कुर्ता टी शर्ट, ऍक्च्युली मला खूप जणांनी कमेंट्स केले टी शर्ट आणि टाईट्स पॅन्ट्स बी तसे काय घाल नका, सो औषध लूजूच घालता पण लूजू थोडे हा पाय मग सगळे टाईट जाता, थोडे हाडलेले हाय थोडे मातशे ऑल्टरेशनाक दिवपाक जाय आणि थोडे हाडूंक जाय आले लूज कुर्ता शॉपिंग करचे पडतले, सो आता वयता पण आम्ही मॉल दे गोवा इथले प्लस हम लोग जाएंगे इधर पेंजिम जाएंगे उधर जाके हम लोग शॉपिंग करेंगे इसके लिए, और मेरे लिए भी कुर्ता शादी के लिए कुर्ता लेना है, अभी दीदी जी जो आने वाले तो करेंगे ठीक है, सो आयच्यान म्हणजे हांव ट्राय करतले सदांच ब्लॉग घालपाचे, जसे की माझे जे डेली प्रेग्नन्सीचे जे जे किती किती जातले माझे बॉडी चेंजीस सगळे तुमकां पळोवपाक गावतले आयच्यान, आणि कितले लास्ट म्हणजे हो दिसांनी किती झाला तो तुम्ही व्हिडिओ देखा, आप लोगों ने जो व्हिडिओ देखा है ना वो तो 3 मंथ का पूरा कंक्लूजन वीडियो 2-3 वीडियो में डाला है, क्योंकि वो हम लोग रिवील नहीं किए थे, सो अभी से सरिता शेयर करेगी अपना डेली लाइफस्टाइल, आज 122 डेज है आज प्रेगनेंसी का, कल से डेली आपको दिखेगा, सो ऐसे भीतर तो कितने चेंजेस एक्चुअली स्टार्टिंग की रेफ म्हणजे आयन व्हिडिओ करून नसले आणि ब्लॉग आणि दाखवे नसले, म्हणजे स्टार्टिंग 1-2 महिने म्हणजे वॉमिटिंग जातले किती सारखे जायनासले, त्याआधी आमचे ब्लॉगही तुमकां तशेंच दिसताले, खूप जणांनी कमेंटही करतात तुमचे ब्लॉग सारखे येणार काय येणार त्याच करतात, आणि आम्ही ब्लॉगही करून नसले लास्ट टाइम, सो अशेंच जाता सगळे चेंजीस जाता कितें म्हणजे एवरी डे, आणि तशेंच म्हाका कालूय न्हू मातशे म्हणजे आम्ही काल मातशे गेल्ले सगळे कामा खातीर, सो म्हाका मातशें अशें हें कशें टायर्डनेस फील जाल्लें, रातचे रातचे मातशें कितें जावपाक लागलें अशें चक्कर येयलेले भशेन, सो हांवें मातशें लिंबू पाणी पिल्लें राती, तेच खातीर म्हाका वता आपयतालो, तूं लिंबू सोडा कित्याक पिता अरे रात को हम लोग रातचे डिनराच्या पयली 8-8:30 बजे डिनर का टाइम हो रहा था, तो उस टाइम और लिंबू सोडा पी रही थी, तो लिंबू सोडा लिंबू सोडा लिंबू पानी पी रही थी, तो मैं उसको ये करने लगा अरे अभी तू लिंबू पानी पियो तो खाना कब खाएंगे, और खाने निकाला हुआ था इधर, तो बोले नहीं मुझे ये आया घोड़ आने लगा मतलब चक्कर आने लगा तो इसलिए मैं पी रही हूँ, ओके तो ये सारे बड़े बड़े चेंजेस आता है, और जब इसको वोमिटिंग आया था वोमिटिंग बोलो वोमिटिंग मेरा स्लीप होता है नोट मत करो ये सारे, हाँ तो इसको जब वोमिटिंग आया था फर्स्ट टाइम मैं डर गया था मैं क्या हो गया करके, बाद में बाद में नॉर्मल है बाद में याद आया हाँ ये सारे नॉर्मल होता है ये सारे रूटीन, तो ये सारी चीजें है मगर आता किए कर पे आता तुझे गाड़ी बीडी सगले आम कितले सरप्राइज आमका खुबसे सरप्राइज आम्ही पुढे पाठी करून हाईड करून दौरलेले, एग्जाम्पल हम लोगों ने इसका प्रेग्नेंसी हाइड किया था, गाड़ी का हाइड करके रखे थे, शॉप का भी थोड़ा थोड़ा सस्पेंस था, अभी सारे सस्पेंस ओपन हो गया है, अभी कोई प्लान नहीं है, अभी सरिता का पूरा प्रेगनेंसी का डे बाय डे आपको लाइफस्टाइल दिखेगा, कल से वो डेली ब्लॉग करेगी, इसको मैं ज्यादा अभी शॉप में लेके नहीं जाऊंगा, अभी इसको लेके जा रहा हूँ क्योंकि हमारा ऑलरेडी स्टाफ है, तो वहाँ पे एक लेडीज है गर्ल्स को लिया मैंने और एक दो लड़के लोग है, तो एक कंफर्टेबल एक थोड़े दिन सेटल होने के लिए इसको लेके जाता हूँ ताकि थोड़ा वो लोग कम्फर्टेबल हो जाए,
एक बार कंफर्टेबल हो गए तो इसके बाद जब इसको नहीं होगा घर पे रखेंगे। तो ये है, मगर तू तुझे डेली लाइफ शेयर कर कसे किए हा डिफिकल्टीज की सजेशन तू त्यांना सांग। आणि आमचे खूप बरे बरे सजेशन येतात, लोक खूप बरे बरे कमेंट करता, सजेस्ट करता, असं कर असं कर नका, खूप बरे बरे थँक्यू सो मच। तुम्ही इतले हेल्प करता, इवन किती म्हणता लोक म्हणता नू पावले गीत म्हणजे पोहचा तो ही हेल्प होता, असं नाही। अभी दुनिया इंटरनेट का है, थ्रू इंटरनेट काफी सारे इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिविटी इन्फॉर्मेशन एनकरेज कर सकते हैं लोगों को, जो आप लोग हमें करते हो आपके मैसेज के थ्रू, आपके कॉल्स के थ्रू। लोग क्या करते हैं, हमारा नंबर नहीं मिलता है तो दीदी को कॉल करते हैं, सोनी दीदी को, उसको कॉल करके हमसे हमारे पास मैसेज भेजते है। एक सब्सक्राइबर ने कॉल किया, दीदी समझे, हाँ सोनी दीदी के मोबाइल में कॉल किया, इससे बात किया और इतना ज्यादा मोटिवेट किया, भाई तू काय भी नका कि शिवली रहा ती तुका कि खापे मन आए तू मका संग हाँ ये अश तुम्हें मोटिवेट करता इतले बरी बरी मेसेज दिता पे, थैंक यू सो मच। बड़े खुबसे खबर नाव संगता सभी जाना खूब जन कमेंट हाँ सचता अजून सगळ्यांक रिप्लाय दिवपाक पावना, पण वाचता तुमचे सगळे कमेंट्स, हे खाऊ नका ते खाऊ नका, हे बरे ते बरे असे कर तसे कर, सो थँक्यू सो मच तुमच्या ते आमकां मातशें कळटा कितें कितें नॉलेज। तसे तुम्ही सजेस्ट करीत रहा, आम्ही पहिले फॉलो करतले ते तुमचे सजेस्ट आप आहे, आई असा दीदीकडे कन्सल्ट करतले की बाबा कमेंट येईला किती करपायचे करणार, सो आमकां आता किती स्टेप बाय स्टेप ओ क्या परत के चलना पडेगा, है ना। हाँ सो थैंक यू सो मच। अभी फिलहाल वीडियो अपलोड हो गया, आप देखे मेरे ख्याल से तुम्हें पहला आसता ना, ओके सो आम्ही वयता, दीदी जीजू कॉल करताला, तो कॉल येलो पण जीजू कॉल करता, आमका लेट झाला, आमका वसंग जाय आता शॉपिंग, लग्नाचे शॉपिंग, हेजे शॉपिंग, माझे शॉपिंग, सगळं आमची बाईक गाडी दिला हे करपाक सर्व्हिसिंग म्हणताला। जीजू किती म्हणता विचारी यार, हॅलो हम सब्जी घर पे बेटा, सब्जी तुम सब्जी किधर है? वो सब्जी तो वो टाइगर है, वो बकरी खा रहा है। हाँ टाइगर बकरी खाता है तो हम तो टाइगर को घास खाते हुए भी देखता है। ए यो कह रहे है आम्ही मरे एक काम करूया, पहिली तू मालदीव गोवा या, मालदीव गोवा पोया मागीर मार्केटान बरे। कैसे देख रही है, देखो देखो बाहर से घूम घूम के देख रही हो, गाड़ी का टैपिंग हुआ, सारे नंबर प्लेट वगैरह लगाया और नंबर्स वगैरह लगाए, तो गाड़ी घूम घूम के चेक करी, ये का लगाया हम लोगों ने मीटर बॉक्स, अरे रे 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 पूरा गाड़ी इंस्पेक्शन करी है, पूरा गाड़ी घूम घूम के देख रही है। ये देखो मैडम आई है, मैडम आपका ड्राइवर रेडी है, ओके 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 जी जी चो वॉच, ओके काय बरं दिसता मरे, काय बरं दिसता पण कसले कलर, पिंक 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 मरे, ऑरेंज कलर, ओके। हम लोग ना गाड़ी लेमिनेट करके लिए, आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। लेमिनेट मतलब ये जो नीचे है आपको दिखेगा, ये मिड वाला पार्ट, ये वाला अरे लेमिनेट सग वो फुल लेमिनेट किया ना, टूरिस्ट के लिए रहेगा तो टूरिस्ट बीच साइड में जाएंगे, पैर में रेत वगैरह रहेगा, तो लेमिनेट किया तो ऊपर रहेगा, उसको वैक्यूम मार दिया तो क्लियर। चलो हम लोग निकलते है ना, और उसके बाद कंटिन्यू करते है मॉल में, ट्राई करता आप तो ये कुर्ता नी है, अबे वो एक ट्राई करता पण तका मानना खंचे ते ओ मका ओळलो, एक्चुअली दिस वन घालून दाखवता तुमका, हो घातला पण एक्चुअली आहे तका माझ्या साडीचे मॅचिंग घ्या म्हणजे, पण तका आवडता वॉच असता तर बेटर बसेल मुळे असतो, एक्चुअली मका वो आवडला तो दिस वन, दिस ग्रीन वन मी सरिता को, दिस इज सो ओके, हो माझा मास्टर साडीक मॅच जाता मुझे पसंद आये, सरिता बोली थी दूसरे वाला अपने साड़ी के साथ मैच कर रही थी, ये सब दिख रहे बताओ फाइनल ओके कॉम्बिनेशन ओके है,
सो मेरा हो गया, मैं कुर्ता और फुल सेट मैंने ले लिया है, मानेवर से उठा लिया है, पसंद है मुझे। ये देखो इधर आई है वो, अभी हम लोग रिलायंस में है। सरिता का साइज ना अभी XXL XXL जींस डालने वाली है वो, ऐसे जींस लेना पड़ेगा XXL। पहले ये ना एक्स्ट्रा स्मॉल XS देखते थे हम लोग, कहीं पे गए ना XS लिखा होना चाहिए, ऐसे कहीं हम लोग चेक करते थे एक्स्ट्रा स्मॉल कहाँ पे मिलेगा। हाँ तो तुका XXL पहुंचे पड़े लगा और टैग ढूंढो और XXL देखो करो। हाँ ना नो, हाँ इसको XXL नहीं होगा मेरे ख्याल से, लार्ज परम पास लो तू नो। अरे पुन माजी दा घालूंगा मैं चना तुका श्योर। ओके चला, तो अभी हम लोग रिलायंस में शॉपिंग करिए है ट्रायल रूम। मजे पहले मेरे विद इन 30 मिनट सिलेक्ट करके ऑल्टर करके पेमेंट करके भी आ गया बाहर। और मैंने कितना ट्राई किया, 4-5 ट्राई किया, आधे घंटे के अंदर हो गया। इसका रहेगा अभी 3-4 घंटा वहाँ पे। मका एक सांग आम्मी कि गेले भीतर, आम्मी कि गेले भीतर सांग सांग रे सांग ना गिफ्ट घेवपा। अच्छा बरे, अरे कितले व्हडलो टी शर्ट रे मकाय चलो निकलते हैं, इसको टाइम दे, थोड़ा हेल्प करता है इसको, शॉपिंग में हेल्प करना पड़ेगा इसको। अपे पे राव तू कसा सांगता, वो आदि आणि ये बाबू अश्विन आणि आदि रावला पे कसा इसको गिफ्ट लेना है, तो हम लोग जा रहे गिफ्ट देखने के लिए। मैं इसको फॉलो कर रहा ऐसे, चलो पूरा मॉल आपको दिखाता हूँ, मॉल नहीं रिलायंस वाला दिखाता हूँ। ये साइड सेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है चलो। गिफ्ट लेते, गिफ्ट तो नहीं दिखाएंगे, गिफ्ट लेते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो फिर बाय वन गेट वन बिन गेट। ओके चलो इसको फॉलो करो। ये देखो अभी हमारा सामान ऐसे डिक्की में जाएगा, पहले हम लोग बैग में भर भर के लेके जाते थे, अभी हमारे पास डिक्की है, डिक्की में डालो सामान और निकलो। हम लोग पार्किंग में थे आज जो किया ना, ये देखो ये टैपिंग हुआ है हमारा, और ये टैपिंग हुआ है ऑल इंडिया परमिट का, और सामने ये टैपिंग होता है, इसको टैपिंग किया है। फ्लाइट के नीचे भी कुछ है, ये साइड में ऑल इंडिया परमिट, यहाँ पे टैपिंग, इधर पेट्रोल का भी लगा दिया है ताकि डालने का भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये टैपिंग, ये सारे टैपिंग करके ले लिया, पीछे मोबाइल नंबर भी डाल दिया है, ठीक है। सो चलो अभी निकलते हैं हम लोग, डिक्की बंद करते हैं, सामान ले लिया। पेंजिम नहीं जा रहे, पेंजिम का प्लान हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा दोनों काम हो गया, जो इसको चाहिए था गिफ्ट ये भी हो गया, और जो मुझे चाहिए था वो मैंने मान्यवर से ले लिया, जो ट्राई कर रहा था वो ले लिया मैंने। ये बोली थी अभी दिखा देगा, सरप्राइज नहीं रखे वाला, सरप्राइज किया है। मैं लिया तभी डालता हूँ, मेरा मन चले ना मैं शोरूम से डाल के निकल सकता हूँ, मतलब समझ जाओ। चलो अंदर चलते हैं और निकलते हैं, गाड़ी मेरा थोड़ा गंदा हो गया, ये देखो ऐसा, इसको धोना पड़ेगा। चलिए मैडम चले, भूख लग ली एक्चुअली। सरिता हमें अपने बैग में कैरी करती है, अभी इस दिन टिफिन कैरी करती है, क्या लेके आया देख मकाई ले दी, भूख लगला से दिखता। सरिता कुछ खाएगी लगता है, उसका डब्बा कुछ लेके आई है, वो खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। मेरे यहाँ से एग्जिट कब से कहाँ से पता नहीं, हमको मूवी में आना था पर मूवी के लिए टाइम नहीं मिला। देखते संडे को भी अगर टाइम मिलेगा तो आएंगे, मुझे वो छोटे मियाँ बड़े मियाँ देखना था एक्चुअली। चलो इसका ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, ब्रेकफास्ट नहीं बोलते इसको, स्नैक्स का टाइम है, इवनिंग स्नैक्स का टाइम है।